सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इज लाइफ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो दिल्ली में जाकर आईपीएल के मैचेस देखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे उन सारे मैचेस के बारे में जो दिल्ली में होने वाले हैं। इसके साथ ही उनकी टाइमिंग और ये भी बताएंगे कि वो कौन से स्टेडियम में होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मैच होने वाला है ट्यूसडे 26 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। ये शाम को 8 बजे शुरू होगा और ये होने वाला है फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो होने वाला है सैटरडे 30 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। ये भी शाम को 8 बजे स्टार्ट होगा और ये होने वाला है फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो होने वाला है थर्सडे 4 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। ये भी शाम को 8 बजे शुरू होगा और ये भी फिरोज शाह कोटला मैदान में होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो होने वाला है थर्सडे 18 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। शाम को 8 बजे शुरू होगा और वो भी फिरोज शाह कोटला मैदान में होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो होने वाला है सैटरडे 20 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में। ये भी शाम को 8 बजे स्टार्ट होगा और होने वाला है फिरोज शाह कोटला मैदान में। उसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो होने वाला है संडे 28 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। ये शाम को 4 बजे शुरू होगा और ये होने वाला है फिरोज शाह कोटला मैदान में। उसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो होने वाला है सैटरडे 4 मई को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। ये शाम को 4 बजे शुरू होगा और ये भी होने वाला है फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो ये थे सारे मैचेस जो दिल्ली में होने वाले हैं। तो जो भी जाकर मैचेस देखना चाहता है आईपीएल के दिल्ली में, तो उनके लिए ये पूरा शेड्यूल है और टाइमिंग भी बता रखी है, तो आपके इसके अनुसार वहाँ जाकर के मैचेस देख सकते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।